हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में स्केच का सेकंड पार्ट है ये। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके वो वाला पार्ट देख सकते हो। तो स्केच में हमें जो फेस की शेडिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले HB पेंसिल से शेड करना है एंड टिश्यू पेपर या फिर आप ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर सकते हो। देन मैं यूज़ कर रही हूँ 2B पेंसिल। तो हम पेंसिल का शेड बढ़ाते जाएंगे जितना हमें टेक्स्चर चाहिए उतना। तो पहले HB पेंसिल एंड देन 2B पेंसिल का यूज़ किया मैंने शेडिंग करने के लिए। तो आपको स्लोली शेड करते रहना है। ये वीडियो टाइम लैप्स में है लेकिन आपको भी इतनी स्लोली शेड करना है एंड देन उसे ब्लेंड करना है जब तक कि आपको जो स्किन का टेक्सचर बिल्कुल पिक के जैसा नहीं मिल जाता। आपने शेडिंग करते रहना है। जहाँ पे डार्क वैल्यूज़ हैं वहाँ पे डार्क पेंसिल का मैंने यूज़ किया है, जैसे कि 4B पेंसिल का यूज़ किया है। ईयर को ड्रॉ करने के लिए पहले मैंने HB पेंसिल से शेडिंग की है एंड अभी जो हाइलाइट्स हैं जैसे कि जहाँ पे डार्क एरियाज़ हैं तो वहाँ पे मैं पहले से डार्क कर रही हूँ। एंड यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ किया है। तो क्योंकि ईयर में जो होता है बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं इसलिए यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प एंड कॉटन बर्ड्स का यूज़ कर सकते हो आप ब्लेंडिंग करने के लिए। तो अभी बाकी के भी जो फेस है वहाँ पर भी मैं HB पेंसिल एंड 2B पेंसिल का यूज़ करके पहले शेड करूँगी एंड यहाँ पे डार्क एरिया वहाँ पे मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे लिप्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने 6B पेंसिल का भी यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे डार्क जो वैल्यूज़ थी वो चाहिए थी, इसलिए 6B पेंसिल डार्कर है तो वहाँ पे मैंने 6B पेंसिल का भी यूज़ किया है। तो अभी यहाँ चिन के नीचे हमें बिल्कुल डार्क करना है क्योंकि जो पिक्चर आप देखोगे ये वाली रेफरेंस उसमें भी बिल्कुल डार्क करा है, इससे थोड़ा फेस है वो उभर के आएगा। तो यहाँ पे डार्क करना बहुत ज़रूरी है। डार्क करने के लिए यहाँ पे मैंने 6B एंड 8B पेंसिल से शेड किया है। अभी नेक को ड्रॉ करने के लिए पहले HB पेंसिल से शेडिंग कर लेंगे एंड 2B पेंसिल से बाद में शेडिंग करनी है और जो डार्क वैल्यूज है वहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ करना है एंड ब्लेंडिंग करने के लिए टिश्यू पेपर एंड ब्रश में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। यूनिफॉर्म उसमें ज़्यादातर डार्क ही है तो यहाँ पे 4B 6B एंड 8B पेंसिल का यूज़ किया है मैंने। तो इस तरह से आप भी ड्रॉ कर सकते हो ये वाला स्केच, आप यहाँ से फॉलो भी कर सकते हो जैसे मैंने ड्रॉ किया है एंड आपने प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता लगेगा कि मुझे ब्लेंडिंग टूल कौन सा यूज़ करना है एंड कहाँ पर कितना प्रेशर का अप्लाई करके शेडिंग करनी है। तो पहले शेडिंग आपको अच्छे से करनी होगी तभी ब्लेंडिंग अच्छे से हो पाएगी। तो शेडिंग करते टाइम आपने ना बिल्कुल स्लोली शेड करना है, जितना आप स्लोली शेड करोगे ना आपको ब्लेंडिंग भी उतनी ही स्मूथ आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।